असम में हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे जुड़ी जानकारियां बेहद परेशान करने वाली हैं। इस हत्याकांड की पीड़ित एक 6 साल की बच्ची है। जिन पर उसकी हत्या का आरोप है वे उसी के गांव के 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे हैं, और जिस वजह से इन बच्चों ने कथित रूप से बच्ची को मार डाला उन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। 8 से 11 साल के इन बच्चों पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न देखने से इनकार करने पर अपने ही गांव की 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी। मामला असम के नगांव जिले का है। यहाँ के बालीबाट इलाके के नज़दीक एक पत्थर तोड़ने की मिल है। मंगलवार को इसी मिल के एक टॉयलेट में 6 साल की बच्ची का खून से लथपथ शव मिला। आज तक के गुवाहाटी संवाददाता हेमंत नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक इसी इलाके के 3 नाबालिग लड़कों पर बच्ची की हत्या करने का आरोप है। वहीं उनमें से एक के पिता को शव को ठिकाने लगाने के आरोप में धर लिया गया है। पुलिस ने जांच के आधार पर बताया है कि तीनों बच्चों को मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखने की लत लग गई थी। वे पीड़ित बच्ची को भी पॉर्न दिखाना चाहते थे। उन्होंने इसकी कोशिश भी की जिसमें कथित रूप से कामयाबी नहीं मिलने पर उन्होंने बच्ची की पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी। आरोप है कि इसकी जानकारी तीनों बच्चों के माता पिता को लगी तो उनमें से एक के पिता ने बच्ची का शव मिलके बाथरूम में छिपा दिया। पुलिस ने कहा है कि ये वाकया विचलित करने वाला है। पीड़ित बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की थी। उसने 24 घंटों के भीतर ही तीनों आरोपी बच्चों को पकड़ लिया, साथ ही शव ठिकाने लगाने के आरोपी पिता को भी अरेस्ट कर लिया। इस पूरे मामले पर नगांव जिले के SP आनंद मिश्रा ने कहा है, हमने अपनी जांच में पाया कि तीनों आरोपी बच्चे मरने वाली लड़की के गांव के ही हैं। हमें ये भी पता चला है कि एक बच्चे के पिता ने हत्या के इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SP आनंद मिश्रा ने आगे बताया, ये तीनों बच्चे पॉर्न वीडियो देखने के आदी हैं। 11 वर्षीय एक आरोपी अपने पिता के मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखता था, साथ में अपने 2 दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाता था। हमने वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है। इन तीनों ने मिलकर उस बच्ची की पत्थर मारकर हत्या की है। ये पूरी घटना विचलित करने वाली है। वहीं कालियाबोर सब डिविजन के एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि जांच के दौरान आरोपी बच्चों द्वारा पीड़ित बच्ची पर यौन हमला करने का भी पता चला है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।